गोल nation's लीडिंग institute. हेलो बच्चों मैं अभय कुमार गोल इंस्टीट्यूट की तरफ से स्वागत करता हूं आज मैं ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज फ्लैशबैक सेकेंड फॉर एग्जामिनेशन नीट जो कि 8 सितंबर 2024 को हुआ है उसका सोल्यूशन लेके आया हूं तो बच्चों मैं शुरू करता हूं क्वेश्चन नंबर वन क्वेश्चन नंबर वन में है कंसीडर ए सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स ऑफ ऑफ एंड मासज द पार्टिकल ऑफ मास द अदर हैज एन एक्सिलेशन ए ए सेंटर ऑफ मास हैेशन देखो बच्चों कहा जा रहा कि है कि टू पार्टिकल सिस्टम है टू पार्टिकल सिस्टम में एक का मास दे दिया गया है एम दूसरे का मास दे दिया गया है थ्री एम एक का एक्सिलेशन है ए और पूछा जा रहा है क्या कि दूसरे का दूसरे का एक्सिलेशन एक का एक्सिलेशन ए है दूसरा जो है वो रह रहा है रेस्ट में और सेंटर ऑफ मास का पूछा जा, जा रहा है क्या होगा एक्सिलेशन तो हम लोग जानते हैं क्या कि एक्सीलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी एम वन ए वन प्लस एम टू ए टू डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू तो ए वन के जगह पे तो वैल्यू पुट होगा ज़ीरो तो ये तो हो गया जीरो एम टू के जगह पर वैल्यू होगा थ्री एम और ए टू के जगह पर है ए डिवाइडेड बाय टोटल मास टोटल मास हो जाना है फोर एम यह जीरो फिनिश है तो वाजिब यह एम यह एम कट गया तो यह हो जाएगा थ्री बाई फोर वैक्टर ए और यह हम लोग को दिख रहा है ऑप्शन वन में तो क्वेश्चन नंबर वन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर टू में है द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स डज नॉट डिपेंड ऑन बोला जा रहा है कि किसी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ मास फॉलोइंग जो चार स्टेटमेंट दिया है चार जो पैरामीटर दिया है उसमें से किस पे डिपेंड नहीं करता है तो रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स करता है डिपेंड पोजिशन ऑफ द पार्टिकल्स पे करता है डिपेंड मासेज ऑफ द पार्टिकल्स पे ऑब्वियसली करता है डिपेंड इंटरनल फोर्स ऑन द पार्टिकल्स नहीं करता है डिपेंड यानी कि सेंटर ऑफ मास का लोकेशन जो है सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन है वह आ, उस particles पे जो लगने वाले होते हैं इंटरनल फोर्स उस पर डिपेंड नहीं करता है तो क्वेश्चन टू का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फोर नेक्स्ट क्वेश्चन थ्री क्वेश्चन थ्री में बच्चों ए व्हील है इन ए टाइम ऑफ थ्री सेकेंड इट है बोला गया कि एक व्हील है उस व्हील का दे दिया गया है फोर रेडियन पर सेकेंड स्क्ट पर सेकंड तीन सेकंड में उसको कितने एंगल से रोटेट करेगा तो यह सिंपल सा क्वेश्चन है रोटेशनल कैनामेटिक्स का और हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर हम लोग यूज कर सकते हैं एंगल रोटेटेड थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर तो ओमेगा नॉट का वैल्यू दिया हुआ है थ्री रेडियन पर सेकेंड टी के जगह पर है थ्री सेकेंड फिर प्लस ये हो जाएगा हाफ इंटू अल्फा का वैल्यू है फोर और टी स्क्वायर तो यह हो जाएगा थ्री मल्टीप्लाइड बाय थ्री तो वाजिब है यह हो जाएगा टू यह हो जाएगा नाइन ये हो जाएगा एटीन तो ये हो गया बच्चों ट्वेंटी सेवन रेडियन यानी कि इतनी देर में वह व्हील 27 सेवन रेडियन से रोटेट करेगा तो क्वेश्चन नंबर थ्री का करेक्ट ऑप्शन दिख रहा है ऑप्शन नंबर थ्री नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर में बच्चों के फ्लाई व्हील ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्सिया किलोग्राम मीटर स्क्वायर इज रोटेटिंग एट एटी रेडियन पर सेकेंड इट मस्ट बी ब्राउड टू स्टॉप इन फिफ्टीन सेकेंड इट मस्ट बी ब्राउड टू स्टॉप इन फिफ्टीन सेकेंड वाट इज द रिक्वायर्ड एवरेज पावर देखो बच्चों बोला जा रहा है कि एक फ्लाई व्हील है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्जा दे दिया है और वह एट्टी पर सेकेंड से रोटेट कर रहा है अब उसको फिफ्टीन सेकेंड में रोक देना है तो हम लोग जानते हैं क्या कि रोटेटिंग सिस्टम को अगर रोकना हम लोग चाहते हैं तो उस पर टॉर्क लगानी पड़ेगी और ऐसी टॉर्क लगानी पड़ेगी जो उसको एंग्लोर डिसलेट करे उसको एंग्लोर डिसलेट करे तो टॉर्क अगर लगाते हैं तो निश्चित रूप से एक पावर भी हम लोगों को डिलीवर करनी पड़ेगी यही पूछा जा रहा है क्या कि इसके लिए कितना पावर ऑन एवरेज डिलीवर करनी पड़ेगी तो हम लोग जानते हैं क्या कि एवरेज पावर डिलीवर्ड कैन बी रिटर्न एज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है

तो so, सॉल्व करने के बाद इसका वैल्यू मिलता है 6400 वाट वॉट अब जो कि दिख रहा है हम लोग ऑप्शन नंबर टू में तो क्वेश्चन नंबर फोर का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन नंबर फाइव में है बच्चों बाय कीपिंग मोमेंट ऑफ एनर्जी ऑफ ए बॉडी कांस्टेंट इफ वी मेड फोर टाइम्स द टाइम पीरियड देन एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी बोला गया क्या कि बाय कीपिंग मोमेंट ऑफ ऑफ़ एनरसी बॉडी कॉन्स्टेंट इफ वी मेड फोर टाइम्स टाइम पीरियड देन एंगुलर मोमेंटम तो देखो बच्चों हम लोग जानते हैं कि एंग्लोर मोमेंटम एल इज इक्वल टू ये हो जाता है आई ओमेगा और ये हो गया आई ओमेगा को हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा को हम लोग लिख सकते हैं टू पाई डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड टू पाई डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड तो देखो बच्चों साफ दिख रहा है क्या कि क्लियरली एल इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम पीरियड तो एल वन डिवाइडेड बाय एल टू बराबर लिखा जा सकता है टी टू डिवाइडेड बाय टी वन तो देखो बच्चो एल वन के जगह पर क्वेश्चन में दे दिया है मान लेते हैं कैंग मोमेंटम है एल और एल टू को मैं कह रहा हूं एल डैस टी टू को बोल दिया गया है कि इट विल बी फोर टी और टी वन को मैं बोल देता हूं टी तो यह टी यह टी कट गया तो यह हो जा रहा है फोर तो देखो बच्चों एल डैश का वैल्यू हो जा रहा है एल डिवाइडेड बाय फोर यानी कि यह दिख रहा है हम लोग को ऑप्शन नंबर वन में यानी क्वेश्चन नंबर फाइव का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर वन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स क्वेश्चन नंबर सिक्स में है दो स्टेटमेंट है स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू स्टेटमेंट वन में बच्चो इफ ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अर्थ वेलोसिटी वेलोसिटी इक्वल टू देन टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज जीरो करेक्ट है ट्रू है हम लोग जानते हैं कि अगर अर्थ के सरफेस पर से एग्जैक्टली स्केप वेलोसिटी से स्केप स्पीड से किसी बॉडी को अगर हम लोग उछालते हैं तो वह पहुंच जाएगा इंफिनिटी पे और जस्ट रीच करेगा तो जस्ट रीच करने का मतलब यह है कि वहां पहुंचते पहुंचते इन्फिनिटी पर पहुंचते पहुंचते उसका स्पीड हो जाना है जीरो यानी कैनेटिक एनर्जी बिकम्स जीरो और चूंकि इनफाइनाइट डिस्टेंस पे पहुंच चुका है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी हो जाएगी जीरो तो जब वह इन्फिनिटी पर पहुंचेगा तो टोटल तो मैकेनिकल एनर्जी का वैल्यू होगा जीरो स्टेटमेंट तो वन करेक्ट है स्टेटमेंट टू टोटल तो मैकेनिकल एनर्जी ऑफ एनी क्लोज सिस्टम एनी क्लोज सिस्टम इज ऑलवेज नेगेटिव यस यह भी करेक्ट है यह भी करेक्ट है यह तो फैक्ट होता है कि क्लोज्ड सिस्टम की टोटल मैकेनिकल एनर्जी हमेशा होती है निगेटिव तो इसका करेक्ट ऑप्शन दिख रहा है ऑप्शन नंबर थ्री तो क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन नंबर थ्री है करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन क्वेश्चन नंबर सेवन में है बच्चो द डायमीटर ऑफ ए सॉलिड डिस्क इज वन मीटर एंड इट्स मास इज थर्टी टू के जी टॉर्क विल इंक्रीजेज इट्स वेलोसिटी फ्रॉम जीरो मास दे दिया गया थर्टी टू के जी अब पूछा जा रहा है क्या अगर उसके स्पीड को हम लोग जीरो से दो सो चालीस रोटेशन पर मिनट कर दें चार सेकेंड में तो कितना लगाना पड़ेगा टॉर्क तो देखो बच्चों सबसे पहले हम लोग जानते हैं क्या कि यहाँ पे हम लोग निकाल लें एंगुलर एक्सलेशन यहाँ पर हम लोग निकाल लें एंगुलर एक्सलेशन ये कहते हुए क्या कि ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फ़ा टी ओमेगा का वैल्यू दे दिया है दो टू फोर्टी रोटेशंस पर मिनट तो टू फोर्टी मल्टीप्लाइड बाय टू पाई डिवाइडेड बाय सिक्सटी ओमेगा नॉट के जगह पर है जीरो और ये हो गया अल्फ़ा और टी का वैल्यू दे दिया है फोर सेकेंड तो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे अल्फा अल्फा का वैल्यू हो जाएगा तो 240 फोर्टी मल्टीप्लाइड बाई टू पाई डिवाइडेड बाई सिक्सटी मल्टीप्लाइड बाय फोर तो अल्फा का वैल्यू हो जा रहा है टू पाई क्योंकि ये ये कट गया तो ये हो जाएगा टू पाए रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर फिर बच्चों हम लोग निकाल लेते हैं उस सर्कुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनरसिया तो मोमेंट ऑफ इनर्सिया का वैल्यू हो जाता है बच्चों हाफ एम आर स्क्वायर तो हाफ़ एम आर स्क्वायर तो इसका वैल्यू हाफ एम दिया हुआ है थर्टी टू के जी और आर का वैल्यू जो है वह है हाफ क्योंकि डायमीटर है वन मीटर तो इसका रेडियस हो जाएगा हाफ तो यह हो जा रहा है वन बाई टू वन बाई टू तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो वैल्यू हो जाएगा वह हो जाएगा फोर किलोग्राम मीटर स्क्वायर तो बस क्या है बच्चों कि तुम निकाल लिए कि एंगुलर एक्सीसन जो होना चाहिए वह इतना के बराबर होना चाहिए और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये है तो कितना टॉर्क उसमें हम लोग को लगाना पड़ेगा तो वी नो डेट टॉर्क टाव विल बी मल्टीप्लीकेशन ऑफ आई एंड अल्फा तो आई एंड अल्फा तो आई का वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाला है फोर और अल्फा का वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाला है टू पाए तो इट विल बी एट पाए न्यूटन मीटर तो बच्चों रिक्वायर्ड टॉर्क का वैल्यू हो जाना है एट पाए न्यूटन मीटर और ये दिख रहा है ऑप्शन फोर में तो क्वेश्चन नंबर सेवन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फोर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट क्वेश्चन नंबर एट में है बच्चो द टॉर्क ऑफ फोर्स फोर आई कैप माइनस जे कैप्लस के कैप 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 अबाउट ओरिजिन विल बी एक फोर्स है और उस जिस पॉइंट के अबाउट निकालना है तो वह है ओरिजिन जिस पॉइंट पर हुआ है उसका पोजिशन वेक्टर दिया हुआ है तो टॉर्क पूछा जा रहा है तो हम लोग जानते हैं कि टॉर्क होता है आर क्रॉस एफ आर क्रॉस एफ और यह हो जाएगा थ्री बाय थ्री डिटर्मिन के फॉर्म में तो यह हो गया आई कैप जे कैप के कैप वेक्टर आर का तो वेक्टर आर का हो जाएगा थ्री टू माइनस वन भैक्टर एफ का फोर्स का तो यह हो जाएगा फोर माइनस वन और प्लस थ्री अब इसी को एक्सपेंड करना है तो इसी को एक्सपेंड करना है तो हम लोग जानते हैं कि इसके एक्सपेंसन में यहाँ प्लस यहाँ माइनस यहाँ प्लस रखते थे और तब यह लिया गया आई कैप इसको इसको आप ढांप देते हैं तो यह हो जाएगा सिक्स यह हो जाएगा माइनस वन ओके फिर यह है क्या माइनस जे कैप इसको इसको ढांप दिए तो यह हो जाना है नाइन माइनस फोर तो यह हो जाएगा प्लस फोर फिर यह हो गया प्लस के कैप इसको इसको ढांप दिए तो यह हो जाना है माइनस थ्री और फिर यह हो जाना है माइनस और यह हो जाएगा एट तो बच्चों इसको जब तुम सिंप्लीफाई करते हो तो टॉर्क का जो वैल्यू है वह तुमको मिल जाता है वह तुमको मिल जाता है फाइव आई कैप फिर यह हो जाएगा माइनस थर्टीन जे कैप और फिर यह हो जाएगा माइनस एलेवन के कैप यह हो गया वह रिक्वायर टॉर्क जो कि दिख रहा है ऑप्शन नंबर टू में तो क्वेश्चन नंबर एट का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन क्वेश्चन नंबर नाइन में बच्चों ए डाइवर इन ए स्विमिंग पूल बेंस हिज हेड बिफोर डाइविंग बिकॉज इट जो पानी में मतलब जो स्विमर हैं और उसमें भी वैसा स्विमर जो कि किसी ऊंचाई पर से कूदते हैं और तब डाइव मार के वो उसमें स्विमिंग करते हैं तो तुम उसको डाइवर कहते हो अब वह डाइवर जब पूल में स्विमिंग करने के लिए कूदता है और अपने सिर को बेंड करता है तो क्या चाहता है तो हम लोग जानते हैं क्या कि एंगुलर मोमेंटम होता है एल बराबर आई ओमेगा तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ तो एंगुलर मोमेंटम के टॉपिक में हम लोग पढ़ते हैं क्या कि अगर कोई बॉडी अपने आप को फैला लिया है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्सिया बढ़ जाएगा और ओमेगा उसका घट जाएगा कोई व्यक्ति अगर अपने आप को सिकोर लिया है तो मोमेंट ऑफ इनर्सिया घट जाएगा लेकिन उसका ओमेगा बढ़ जाएगा तो वह डाइवर चाहता है कि उसका एंगुलर मोमेंटम सॉरी एंगुलर वेलोसिटी बढ़े तो एंगुलर वेलोसिटी बढ़े तो इसके लिए तो एंग्लोर वेलोसिटी बढ़े तो इसके लिए उसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको घटाना पड़ेगा और मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको घटावे इसलिए वो अपने शरीर को सिकोड़ लेता है वो अपने सिर को जो है बेंड करता है इसलिए इसका सही ऑप्शन जो है वह है फोर डिक्रीजेज हिज मोमेंट ऑफ इनर्सिया तो डाइवर अपने सिर को मोड़ के जो डाइव करता है तो इसके जरिए वह अपना मोमेंट ऑफ एनर्सिया डिक्रीज करता है ताकि उसका एंगुलर वेलोसिटी का वैल्यू बढ़ सके और थोड़ा फास्टर वह डाइविंग कर सके स्विमिंग कर सके तो क्वेश्चन नंबर नाइन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन फोर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टेन क्वेश्चन नंबर टेन में है बच्चों व्हील ऑफ बाइस्ल इज रोलिंग स्लिपिंग ऑन ए लेवल रोड कहा गया जैसा फिगर में है, कहा गया कि एक व्हील है सेंटर ऑफ मास इजीएम ऑफ मास की इसमें बताओ क्या होगा ट्रू स्टेटमेंट तो देखो बच्चो हम लोग जानते हैं कि प्योर रोलिंग में तो प्योर रोलिंग में कॉन्टेक्ट पॉइंट की वेलोसिटी रहती है जीरो यानी कि भीबी की वैल्यू हो जाएगी जीरो और ये इसका डेफिनेशन है बच्चों कॉन्टेक्ट पॉइंट का स्पीड जीरो रहता है तभी ही हम लोग कह पाते हैं कि वह रोलिंग कहलाता है प्योर रोलिंग क्वेश्चन में बोल दिया कि प्योर रोलिंग तो है तो प्योर रोलिंग है तो बच्चों क्लियर है कि कॉन्टेक्ट पॉइंट की वेलोसिटी जो रहेगी वह रहेगी जीरो लेकिन जो हाइएस्ट पॉइंट है तो हाइएस्ट पॉइंट के पास दोनों तरह की वेलोसिटी होगी एक तो होगा भीसीएम दूसरा होगा ओमेगा आर और चूंकि प्योर रोलिंग है तो ओमेगा आर का वैल्यू भी हो जाता है भीसीएम के बराबर इसलिए भी ए का वैल्यू हो जाएगा बच्चों टू भी तो ए की वेलोसिटी हो जाएगी टू भीसीएम और बी की वेलोसिटी जो है वह होगी जीरो तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर थ्री द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए इज टू वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट बी इज जीरो क्वेश्चन नंबर टेन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर थ्री नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इलेवन में है बच्चों सॉलिड स्पेयर ऑफ रेडियस ए सॉलिड स्पेयर ऑफ रेडियस इज रोलिंग ऑन ए एरिजोनटल सरफेस द रेशियो बिटवीन द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी तो रोल कर रहा है सॉलिड स्पेयर है अब उसके पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होगा ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी भी होगा दोनों के सम को कहेंगे टोटल uh, एनर्जी तो पहले मैं उसका रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकाल लेता हूँ तो काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल क्लियर है कि यह हो जाएगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर तो भाई यह हो गया हाफ आई का वैल्यू तो सॉलिड स्फेयर है तो सॉलिड स्फेयर है तो आई का वैल्यू हो जाएगा टू बाय फाइव एम आर स्क्वायर अब फिर यह हो गया ओमेगा स्क्वायर यह टू यह टू कट गया तो यह मिल जाएगा वन बाय फाइव एम और ये ओमेगा आर तो चूंकि प्योर रोलिंग का सीन है तो प्योर रोलिंग के सीन में ओमेगा मल्टीप्लाइड हो जाता है तो बच्चों तो बच्चों यह हो गया वन बाय फाइव यह हो गया एम ये हो जा रहा है भीसीएम का स्क्वायर यह हो गया रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी टोटल तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी तो फिर मुझे निकालना पड़ेगा काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल तो ये तो हो जाना है सिंपली हाफ एम भी सी एम का स्क्वायर तो टोटल इनर्जी जो होगा बच्चों दोनों का सम तो दोनों का सम तो ये हो जा रहा है वन बाय फाइव एम भी सी एम का स्क्वायर प्लस वन बाय टू एम भी सी एम का स्क्वायर तो टोटल इनर्जी का जो वैल्यू मिल रहा है बच्चों सेवन बाय टेन ये हो जा रहा है सेवन बाय टेन एम भी सी एम का स्क्वायर तो रेसियो निकालना है तो निकालना है तो रोटेशनल टू डाक टोटल तो ये है कायनेटिक इनर्जी रोटेशनल डिवाइडेड बाय काइनेटिक energy टोटल टोटल uh, total. Total. तो रोटेशनल तुम अभी निकाले थे यह है वन बाय फाइव एम भीसीएम का स्क्वायर और टोटल भी अभी तुम निकाले हो यह है सेवन बाय भीसीएम का स्क्वायर ठीक है बच्चों अब इसमें कैंसिल आउट होगा अब इसमें कैंसिल आउट होगा तो एम बी सी एम का स्क्वायर एम बी सी एम का के स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया ठीक है तो यह हो जाना है बच्चों टू बाई सेवन कटने के बाद यह हो जाएगा टू बाई सेवन और वह मिल रहा है हम लोग को ऑप्शन नंबर वन में तो क्वेश्चन नंबर एलेवन का करेक्ट ऑप्शन दिख रहा है ऑप्शन वन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व में बच्चों एक फिगर है वन टू थ्री फोर इसमें लेवलिंग कर दी गई है एक एक्सिस दिख रहा है एक्स एक्स डैश क्वेश्चन क्या मैं पढ़ता हूं फोर आइडेंटिकल स्फेरिकल सेल्स चार खोखला है, फिगर अब देख रहे हैं किस तरीके से दिया हुआ वन टू थ्री फोर कंसिडर एन एक्सिस एक्स एक्स डैश हुचिंग टू फर्स्ट एंड सेकेंड सेल्स एंड पासिंग थ्रू डायमी थर्ड एंड फोर्थ सेल्स ओके मोमेंट ऑफ इन ऑफ द सिस्टमिकल सेल्स अबाउट एक्स एक्स डैश एक्सिस इज बोला जा रहा है कि यह जो फिगर दिया गया इस फिगर का टोटल मोमेंट ऑफ इनोसिया क्या होगा तो नो no प्रॉब्लम हम लोग जानते हैं मोमेंट ऑफ इनोसिया इज एन एडिटिव क्वान्टिटी तो इसमें जितने भी सेल्स हैं जितने भी एक्रिकल सेल्स हैं सबका हम लोग निकाल लेते हैं मोमेंट ऑफ इनोसिया और फिर एड कर देंगे तो मैं पहले निकालता हूं आई वन मैं पहले निकालता हूं आई वन अब आई वन जो है यह एक्सिस इस के से है तो यहां पर लागू हो जाएगा एक्सिस टू बाय थ्री एम आर स्क्वायर अब प्लस ये हो जाएगा एम आर स्क्वायर तो यह हो गया फाइव बाय थ्री एम आर स्क्वायर ये वन का हुआ और जो वैल्यू वन का होगा वही वैल्यू तो टू का भी होगा तो आई टू का भी वैल्यू हो जाएगा बच्चों फाइव बाई थ्री एम आर ओके अब इसी तरीके से मैं निकालता हूं आई थ्री उसी तरीके से मैं निकालता हूं आई थ्री अब आई थ्री देखो यह जो है एक्सिस इस थर्ड नंबर स्पेकल सेल के डायमीटर के लॉन्ग है तो तो हम लोग जानते हैं कि यह हो जाएगा सिंपली टू बाई थ्री एम आर स्क्वायर क्योंकि किसी डायमीटर के अबाउट स्फेरिकल सेल का मोमेंट ऑफ इनर्सिया होता है टू बाय थ्री एम आर स्क्वायर तो जो होगा थ्री का वही है फोर का भी तो आई फोर भी हो जा रहा है बच्चों टू बाय थ्री एम आर स्क्वायर तो बस फिर क्या है जो हम लोगों को चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्सिया द रिक्वायर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द सम ऑफ आई वन आई टू आई थ्री एंड आई फोर तो I1 और I2 तो एक ही जैसा है फाइव बाई थ्री फाइव बाई थ्री जुट के हो जाएगा टेन बाई थ्री एम आर स्कवायर और आई थ्री आई फोर भी एक ही जैसा है तो टू बाई थ्री टू से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा फोर बाई थ्री एम आर स्क्वायर और देखो बच्चों ये हो जा रहा है क्या फोरटीन बाय थ्री एम आर स्क्वायर तो क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व का हम लोग को दिख रहा है ऑप्शन नंबर थ्री जिसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर थ्री नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टीन क्वेश्चन नंबर थर्टीन में है बच्चों ए पार्टिकल ट्रेवल्स इन ए सर्किल ऑफ रेडियस फोर्टी सेंटीमीटर फोर्टी सेंटीमीटर एट ए यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग स्पीड यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग स्पीड इफ स्पीड चेंजेस फ्रॉम सिक्स मीटर पर सेकेंड टू टेन मीटर पर सेकेंड इन दो सेकेंड इन टू सेकेंड व्हाट वुड बी द एंगर एक्सलेशन इन रेडियन पर सेकेंड सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों सर्कुलर मोशन का है एक पार्टिकल एक सर्किल पे मूव कर रहा है सर्किल का रेडियस का वैल्यू दे दिया है 40 सेंटीमीटर और यह ऐसे मूव कर रहा है बोला जा रहा है कि इसका जो स्पीड है वह कांस्टेंट नहीं है दो सेकेंड में सिक्स मीटर पर सेकेंड से बढ़ के हो गया है टेन मीटर पर सेकेंड तो सिंपली हम लोग कह देंगे कि टेंजेंशियल स्पीड के लिए हम लोग यूज़ कर लेंगे क्या कि टेंजेंशियल स्पीड भी बराबर हो जाएगा u प्लस टेंजेंशियल एक्सलेशन मल्टीप्लाइड बाय टाइम इंटरवल जिसमें कि फाइनल का वैल्यू दे दिया गया है टेन इनिशियल का वैल्यू दे दिया गया है सिक्स सिक्स और टेंजेंशियल एक्सलेशन ए टी खोज ले रहा हूं मैं और टी का वैल्यू जो है वह है टू तो यहां से हम लोग ए टी का वैल्यू निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा फोर डिवाइडेड बाई टू तो ये हो जाना है टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अब टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो मिल रहा है यह तो मिला टेंजेंशियल एक्सलेशन क्वेश्चन में है एंगुलर एक्सलेशन बताओ

हो जाएगा 200 हंड्रेड डिवाइडेड बाई फोर्टी तो यह हो गया 5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर तो इसका वैल्यू हो जा रहा है 5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर तो क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 14 है बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 है बच्चों द रेडियस ऑफ जयरेशन ऑफ बॉडी डिपेंड्स ऑन किसी बॉडी का रेडियस ऑफ जारेशन किस बात पर किन किन पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है यह पूछा जा रहा है तो चुआस ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन इस पे तो डिपेंड करता है रेडियस ऑफ 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 बॉडी डिपेंड्स अपॉन द एक्सिस ऑफ रोटेशन पर डिपेंड करता है शेप एंड साइज ऑफ ए बॉडी हाँ एग्जैक्टली exactly करता है डिपेंड करता है नेचर ऑफ मास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉडी एग्जैक्ट करता है ओ oh, और ऑप्शन फोर में दे दिया है ऑल ऑफ द तो सही जवाब हो गया इसका ऑप्शन फोर तो क्वेश्चन नंबर फोर्टीन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फोर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन क्वेश्चन नंबर में बच्चों ग्रेविटेशन फील्ड ड्यू टू ए सॉलिड स्पेयर अच्छा एक सॉलिड स्पेयर है उसके कारण ग्रेविटेशन फील्ड की बात हो रही है तो तुम लोग पढ़े हो गए अगर सॉलिड स्पेयर की बात करते हैं जिसका रेडियस अगर दे दिया गया है कैपिटल आर तो ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी आई इनसाइड द एस्फेयर भैरी करता है स्मॉल आर के यानी कि स्मॉल आर का वैल्यू अगर कैपिटल आर से छोटा है यानी एट इन साइड पॉइंट ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी टू द सेपरेशन फ्रॉम द सेंटर लेकिन आउटसाइड जो होता है वह होता है इनवर्स स्क्वायर लॉ के जैसा तो आउटसाइड पॉइंट पर आई वैरी जेज हो जाता है वन बटे आर स्क्वायर अब देखता हूँ मैं कि क्या दिया गया है चार ऑप्शन में तो फिफ्टीन में 15 में पहला है इंक्रीजेस इनसाइड द स्फीयर एंड डिक्रीजेस आउटसाइड द स्फीयर इफ वी मूव फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर एग्जैक्टली एग्जैक्टली मतलब कि फर्स्ट ऑप्शन ही सही है करेक्ट हो गया ठीक है सेकेंड ऑप्शन इंक्रीजेस थ्रू आउट गलत है डिक्रीजेज थ्रू आउट गलत है रिमेंस कांस्टेंट गलत है तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन में बच्चों मैच द फॉलोइंग कॉलम्स फॉर ए सैटेलाइट इन सर्कुलर ऑर्बिट अच्छा इसमें बोला जा रहा है क्या कि मान लीजिए यह है अर्थ हम लोग मान लेते हैं कि यह है अर्थ ठीक है अब इस अर्थ के सेंटर से कुछ दूरी पर एक सैटेलाइट है जो कि सर्कुलर ऑर्बिट में रोटेट कर रहा है इसकी दूरी जो है वह है स्मॉल स्मोल ऐसा रोटेट कर रहा अब वाजिब है सेटेलाइट के पास काइनेटिक एनर्जी भी है पोटेंशियल एनर्जी भी है टोटल एनर्जी भी है और कुछ स्पीड भी है कुछ स्पीड भी है तो हम लोग को यह कहा जा रहा है कि लेफ्ट साइड में पूछा जा रहा है काइनेटिक एनर्जी क्या होगी उस सेटेलाइट की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी टोटल एनर्जी क्या होगी और वाइटल स्पीड क्या होगा और पी क्यू आर एस में हम लोग को इसमें मैच करवाना है तो देखो बच्चों यह जो क्वेश्चन है तो फैक्चुअल है यह क्वेश्चन फैक्चुअल फैक्चुअल इन द सेंस कि जो भी बच्चा सेटेलाइट का और मोशन पढ़ता है तो वह इन सारे वैल्यूज को पढ़े रहता है मतलब कि अगर तुम्हें याद है तो इसमें आराम से मैच करवा लोगे जैसे मैं मैच करवाता हूँ पहला बोला जा रहा है क्या कि उस सेटेलाइट की कैनेटिक एनर्जी क्या होगी उस सेटेलाइट की कैनेटिक एनर्जी क्या होगी तो सेटेलाइट की कैनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो तो जी एम एम टू आर होगा यानी कि ए का सही मैच जो है वह दिख रहा है एस बी पोटेंशियल एनर्जी तो पोटेंशियल एनर्जी का तो हो जाता है माइनस जी एम एम बटे आर जहां जी हो गया ग्रेविटेशन कांस्टेंट एम हो गया अर्थ का मास स्मॉल एम हो गया सेटेलाइट का मास और आर हो गया रेडियस तो बी का करेक्ट ऑप्शन हो जा रहा है आर टोटल एनर्जी तो टोटल एनर्जी का मतलब हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी जोर पोटेंशियल एनर्जी यानी अभी जो हम लोग यह वैल्यू और यह वैल्यू जलाए हैं इन दोनों का जोर तो इन दोनों का जोर हो जाएगा पी के जैसा तो यह हो जाएगा सही चॉइस पी और ऑर्बिटल स्पीड तो ऑर्बिटल स्पीड आप जानते होंगे क्या यह हो जाता है अंडर रूट जी एम आर तो यह हो जाना है क्या क्यू तो ए का एस बी का आर सी का पी और डी का क्यू और ऐसा दिख रहा है ऑप्शन नंबर थ्री में और ऐसा दिख रहा ऑप्शन नंबर थ्री में तो बच्चों क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर थ्री नेक्स्ट क्वेश्चन हैज मास थ्री ट्वेंटी टाइम्स डेट ऑफ अर्थ डेट ऑफ अर्थ एंड इट्स रेडियस इज ट्वेल्व टाइम्स द अर्थ रेडियस हाँ ठीक है जुपिटर बड़ा प्लेनेट है तो अर्थ के मास थ्री ट्वेंटी टाइम्स ज़्यादा है और अर्थ के रेडियस से ट्वेल्व टाइम्स बड़ा है एस्टिमेट द एस्केप वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी फ्रॉम जुपिटर सरफेस गिवेन डैट एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ सरफेस इज एलेवन पॉइंट टू किलोमीटर पर सेकेंड ओके मतलब अर्थ का जो दिया हुआ है स्केप वेलोसिटी वह है एलेवन पॉइंट टू किलोमीटर पर सेकेंड हम लोग जानते भी हैं और अब आपसे पूछा जा रहा है कि जुपिटर पर क्या होगा स्केप uh, वेलोसिटी तो नो प्रॉब्लम हम लोग जानते हैं कि इसके वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन होता है वो एक्सप्रेशन होता है आ, अंडर रूट टू जी एम अबे आर जहां जी जो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है कैपिटल एम जो है वह है अर्थ का मास और आर जो है वह है अर्थ का रेडियस तो इसका वैल्यू क्वेश्चन दे दिया गया है एलेवन पॉइंट टू किलोमीटर पर सेकेंड ओके अब हम लोग को निकालना है जुपिटर के लिए तो भी ई डैश नो प्रॉब्लम टू जी एम के जगह पर लिखना पड़ेगा थ्री ट्वेंटी एम और रेडियस के जगह पर लिखना पड़ेगा ट्वेल्व आर तो देखो बच्चों अगर इसको हम लोग लिखते हैं तो ये हो जाएगा टू जी एम डिवाइडेड बाय आर अलग हो गया और इसको मैं अलग कर देता हूँ तो ये हो जाएगा थ्री ट्वेंटी डिवाइडेड बाय ट्वेल्व जिसमें कि इसको एक स्टेप और मैं बढ़ाता हूँ तो इसके जगह पर पुट किया जाएगा एलेवन पॉइंट टू और यह जो है यह हो जाएगा फोर थ्री फोर एट्टी यह हो जाएगा एट्टी डिवाइडेड बाय थ्री यह हो जाएगा एट्टी डिवाइडेड बाय थ्री देखो ना बच्चों एम के जगह पहुंच जाएगा थ्री ट्वेंटी एम आर के जगह पहुंच जाएगा ट्वेल्व बार मैं ऐसे किया फिर ऐसे किया और ये इसको जो मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ एलेवन पॉइंट टू मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट एट्टी बाय थ्री मिल रहा है तो इसको जब तुम सॉल्व करते हो तो यह तुमको मिल जाएगा फोर्टी एट पॉइंट सिक्स किलोमीटर पर सेकेंड के बराबर तो सेवेंटीन का करेक्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन इसको जब कैलकुलेट करोगे बच्चों इसको जब कैलकुलेट करोगे इसको जब कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पुट करना पड़ेगा 11.2 ये जो होगा ये होगा 80 डिवाइडेड बाय थ्री इसको जब कैलकुलेट करोगे तो तुम्हें मिलेगा 57.8 किलोमीटर पर सेकेंड अप्रॉक्सीमेटली और ये दिख रहा है ऑप्शन नंबर टू में तो क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एटीन क्वेश्चन नंबर एटीन में है बच्चों ए प्लैनेट मूव्स अराउंड द सन इट इज क्लोजेस्ट टू सन एट अ डिस्टेंस डी वन इट इज क्लोजेस्ट टू सन एट अ डिस्टेंस डी वन एंड बी देखो बच्चों हम लोग जानते हैं कि सन के अराउंड अर्थ जो है इलेप्टिकल पाथ पे घूमता है इलेप्टल पाथ पे घूमता है तो किसी समय इसके बीच का दूरी कम रहता है किसी समय इसके बीच का दूरी ज्यादा रहता है बोला गया क्या कि जब क्लोजेस्ट रह रहा है तो यह दूरी है d1 और इस समय इसका स्पीड इस जो है वह दे दिया गया है v1 और अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि जब यह फारदेस्ट रहेगा तो डिस्टेंस है d2 तो इस वक्त इसका स्पीड इस अगर v2 है तो यह v2 का वैल्यू क्या होगा यह है क्वेश्चन ठीक है तो देखो बच्चों हम लोग जानते हैं ग्रेविटेशन के चैप्टर में कैप्लर्स लॉ के जरिए कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है तो इस जगह पर जो एंगुलर मोमेंटम होगा उसका वैल्यू यहां पर भी सेम रहेगा तो एंगुलर मोमेंटम का जो वैल्यू हो जाएगा बच्चों ये तो हो एम भी मल्टीप्लाइड बाय डी तो दोनों जगह पर क्या अगर मैं लिखता हूं एम वन भी वन डी वन इज इक्वल टू हो जाना है एम टू भी टू डी टू चूंकि सेम ही बॉडी का यहाँ यहाँ मैं देख रहा हूँ तो मास तो सेम ही है तो एम वन एम टू कट गया तो मुझे निकालने हैं भी टू का वैल्यू तो मुझे निकालने हैं वी टू का वैल्यू तो हो जाना है बच्चों भी वन डी वन डिवाइडेड बाय डी टू तो भी वन डी वन डिवाइडेड बाय डी टू अरे ये दिख रहा है ऑप्शन नंबर फोर में तो क्वेश्चन नंबर एटीन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फोर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइनटीन क्वेश्चन नंबर नाइनटीन में है बच्चो कैलकुलेट द डे ऑफ द अर्थ सो डेट द अपारेंट जी एट द इक्वेटर बिकम्स वन फिफ्थ ऑफ इट्स वैल्यू एट द सरफेस एट द पोल ओके द लेंथ ऑफ द डे बोला गया इक्वेटर पे तो हम लोग जानते हैं क्या कि इक्वेटर पर अपेरेंट एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो हो जाता है वो हो जाता है g नॉट माइनस ओमेगा स्क्वायर r जहां बच्चों यह जो g नॉट है यह g नॉट एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द पोल होता है ओमेगा हो गया अर्थ का अपने एक्सिस पे जो रोटेशन का एंगुलर स्पीड है वह और r है अर्थ का रेडियस तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यह G का वैल्यू दे दिया है कि इसका वन फिफ्थ है यानी यह है G नॉट बटे फाइव बराबर G नॉट माइनस ओमेगा स्क्वायर आर तो देखो बच्चों यहाँ से हम लोग निकाल ले सकते हैं ओमेगा का वैल्यू और यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं ओमेगा का वैल्यू तो यह जो ओमेगा का वैल्यू मिलेगा तो मैं आ, कहता हूँ कि इस ओमेगा का वैल्यू जो मिलेगा वह मिल जाएगा फोर जी नॉट डिवाइडेड बाय फाइव आर ये मिल जाएगा ठीक है अब वैल्यू पुट करना है और ओमेगा का वैल्यू निकालना है तो मैं अगर इसमें वैल्यू पुट करूंगा तो निकल जाएगा ओमेगा का वैल्यू लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहा है क्या कि नहीं उस स्थिति में इक्वेटर पर लेंथ ऑफ द डे क्या होगा मतलब क्या सोलर डे का जो लेंथ ऐसे जो हम लोग बोलते हैं 24 घंटे का तो उस सिचुएशन में इक्वेटर पर लेंथ ऑफ द डे कितने घंटे का होगा यह पूछा जा रहा है तो देखो बच्चों लेंथ ऑफ द दे के लिए तुम लिखते हो तुम लिखते हो कि यह हो जाएगा टू पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा यह हो जाएगा टू पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा तो देखो बच्चों यह हो जाएगा टू पाई और डिवाइडेड बाय ओमेगा के जगह पर फोर जी नॉट और डिवाइडेड बाय फाइव आर वैल्यू अगर पुट मैं करता हूँ तो टू थ्री पॉइंट वन फोर डिवाइडेड बाय फोर जी नॉट के जगह पर टेन फाइव आर के जगह पर सिक्सटी फोर हंड्रेड मल्टीप्लाइड बाय टेन टू डी पावर थ्री मल्टीप्लाइड बाय टेन टू डी पावर थ्री तो इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो इसका जो आंसर है वो अप्रॉक्सीमेटली मिलता है वन पॉइंट सेवन आवर्स के बराबर 1.57 के फाइव के आवर के बराबर और यह दिख रहा है हम लोग को ऑप्शन नंबर वन में तो क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर वन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी में बच्चो, an object, an object cm, है बच्चों एन ऑब्जेक्ट एन ऑब्जेक्ट सिक्स सेंटीमीटर टॉल इज प्लेस्ड नाइनटी सेंटीमीटर फ्रॉम ए कंकेव स्फेरिकल मिरर व्हिच हैज रेडियस ऑफ कर्वेचर थर्टी सेंटीमीटर द साइज ऑफ द इमेज इज ठीक है एक कनकेव मिरर दे दिया है और ऑब्जेक्ट की ऊंचाई दे दी गई है सिक्स सेंटीमीटर और बोल दिया गया उसको रखा गया है नाइन्टी सेंटीमीटर पे तो पहले हम लोग मिरर फॉर्मूला का यूज करते हैं तो वन बट्टे प्लस वन बट्टे यू इज इक्वल टू हो जाएगा 1 एफ। तो 1 प्लस वन बट्टे यू यू के जगह पर पुट होगा माइनस नाइनटीन और डिवाइडेड बाई वन बटे एफ तो रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर दिया है तो फोकल लेंथ हो जाएगा 15 अखन के मिरर है तो यहाँ लिखा जाएगा माइनस फिफ्टीन अब इसको जब सॉल्व करोगे बच्चों इसको जब सॉल्व करोगे बच्चों तो भी का वैल्यू जो मिलता है वो मिल जाएगा तुमको माइनस एटीन सेंटीमीटर तो अब भी का वैल्यू मिल गया यू का वैल्यू दिया हुआ है तो हम लोग जानते हैं कैक मैग्निफिकेशन कैन बी रिटर्न एज माइनस भी बट यू तो यह हो जाएगा माइनस भी के जगह हो जाएगा माइनस एटीन यू के जगह हो जाएगा माइनस नाइन्टी तो यह हम लोग को मिल जाना है यह हम लोग को मिल जाना है माइनस माइनस प्लस हो गया तो यह हो गया माइनस एटीन बटे नाइन्टी और हम लोग जानते हैं क्या कि इसको लिखा जा सकता है हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो देखो बच्चों ये हो जा रहा है माइनस एटीन नाइन्टी और हाइट ऑफ इमेज हम लोग निकाल रहे हैं और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे दिया गया था सिक्स तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके बता दे सकते हैं कि उस ऑब्जेक्ट का हाइट क्या मिलेगा तो बच्चों ये मिलेगा माइनस वन पॉइंट टू सेंटीमीटर यह मिलेगा माइनस वन पॉइंट टू सेंटीमीटर तो बच्चों ट्वेंटी का सही ऑप्शन दिख रहा है ऑप्शन नंबर थ्री माइनस इसलिए क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस से वह नीचे होगा प्रिंसिपल एक्सिस से वो नीचे होगा ऑप्शन में अगर साइन के साथ दिया रहता तो बेहतर रहता कि वो लिखा था माइनस वन पॉइंट टू सेंटीमीटर लेकिन सिर्फ साइज पूछ रहा है तो वैल्यू में है और वो वैल्यू है सेंटीमीटर तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर थ्री नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन में है बच्चो ए ग्लास हैज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थ्री बाय टू एंड वाटर हैज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फोर बाय थ्री इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज टू पॉइंट फोर इंटू टेन पावर एट मीटर पर सेकेंड द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज सिंपल सा है दो मीडियम है दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया है और तब पूछा जा रहा है क्या कि स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा तो हम लोग जानते हैं सिंपली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो डेफिनेशन होता है उसके जरिए कि म्यू वन सी वन बराबर हो जाता है म्यू टू सी टू म्यू वन सी वन अब अगर वह ग्लास में है मूव कर रहा है तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये हो जाएगा थ्री बाई टू और उसमें जो स्पीड है वो दे दिया है टू पॉइंट फोर इंटू टेन टू डी पावर एट टू पॉइंट फोर इंटू टेन पावर एट फिर वाटर का जो है तो वाटर का दे दिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फोर बाय थ्री और सी टू हम लोग से पूछ रहा है तो हम लोग सी टू का वैल्यू निकाल देंगे थ्री बाई टू मल्टीप्लाइड बाई टू पॉइंट फोर इंटू टेन टू डी पावर एट यह हो जाएगा थ्री डिवाइडेड बाय फोर ये हो जाएगा थ्री डिवाइडेड बाय फोर तो इसको जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो यह तुमको मिलेगा बच्चों टू पॉइंट सेवन इंटू टेन टू दावर एट मीटर पर सेकेंड और यह है ऑप्शन नंबर टू में तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू में है बच्चों स्मॉल पीस ऑफ पेपर स्टक ऑन ए ग्लास सेंटीमीटर रेडियस इज व्यूड थ्रू द ग्लासम पोजिशन डायरेक्टली इमेज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज वन पॉइंट फाइव देखो बच्चों इसमें है क्या कि एक स्फेरिकल ग्लास है यह एक स्पेयर है इसका ये सेंटर है यहां है ये सेंटर हो गया सी यहाँ पर यह एक पेपर पीस है जिसको हम लोग ऑब्जेक्ट कहेंगे इसको इसको जस्ट पीछे से देखा जा रहा तो यहाँ पर आंख है यानी व्यूअर यहाँ बाहर है लेकिन यहाँ है ठीक है यानी कि यह हो गया ऑब्जेक्ट ये पूरा का पूरा हो गया स्पेरिकल सरफेस यहाँ पर है व्यूअर अब पूछा जा रहा है कि अगर यहाँ से आप देख रहे हैं तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बनेगा तो देखो बच्चों यह हो गया रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस वाला मामला तो रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस का हम लोग के पास फॉर्मूला जो रहता था वह है म्यू टू बटे भी माइनस मी वन बटे यू बराबर म्यू टू माइनस मी वन डिवाइडेड बाय आर ओके अब यहाँ पर जहाँ से हम लोग देख रहे हैं वहाँ लिखाता है म्यू टू तो हम लोग तो बाहर से देख रहे हैं तो म्यू टू का वैल्यू वन आर डिवाइडेड बाई भी म्यू वन का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में वन पॉइंट फाइव तो 1.5 पॉइंट डिवाइडेड बाई यू तो u जो है जहां से हम लोग देख रहे हैं वह कहलाएगा क्योंकि हम लोग यहां से देख रहे हैं तो u का जो वैल्यू है तो रेडियस दे दिया था 6 सेंटीमीटर तो u जो है वह कहा जाएगा 12 सेंटीमीटर और यह लिखाएगा माइनस ट्वेल्व फिर म्यू टू के जगह पर वन म्यू वन के जगह पर 1.5 और रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वह दे दिया है इसका जो कि मिल जाता है माइनस ट्वेंटी फोर सेंटीमीटर और देखो बच्चो यह है यह है ऑप्शन नंबर फोर तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ट्वेंटी फोर क्योंकि आ गया है माइनस ट्वेंटी फोर सेंटीमीटर और माइनस में आया है तो इसका मतलब है कि यह इमेज वर्चुअल बना होगा इसमें जो यह इमेज बना होगा वो बना होगा वर्चुअल तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर फोर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री में बच्चों द एंगल ऑफ मिनिमम डेवियशन मेजर्ड विथ प्रिज्म इज सिक्सटी डिग्री क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री में द एंगल ऑफ मिनिमम डविएशन मेजर उथ प्रिज्म इज सिक्सट डिग्री एंड द एंगल ऑफ प्रिज्म इज सिक्सटी डिग्री द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म प्रिमेटियल इज बोला जा रहा है क्या किया है एक प्रिज्म है अगर मैं मानता हूँ तो और इसमें एंगल ऑफ प्रिज्म का वैल्यू दे दिया है सिक्सटी डिग्री और जब इस प्रिज्म में रे ट्रेस करवाया गया इंसिडेंट करवाया गया इमर्ज हुआ तो इसमें जो मिनिमम डेविएशन मिल रहा है तो उसका वैल्यू भी मिल रहा है सिक्सटी डिग्री तो अब आपसे पूछा जा रहा है क्या कि इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू क्या होगा तो हम लोग जानते हैं हम लोग जानते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू बराबर हो जाता है साइन और एंगल में ए प्लस मिनिमम डेविएशन डिवाइडेड बाय टू होल डिवाइडेड बाय साइन ए बाय टू सिंपल सा ये फॉर्मूला है प्रिज्म के लिए ठीक है अब इसमें जो दिया है उसको हम लोग पुट कर देते हैं तो साइन ए के जगह पर है सिक्सटी डेल्टा मिनिमम जगह पर 60 हो जाएगा सिक्स डिवाइडेड बाई टू तो ये हो जाएगा क्या सिक्सटी डिग्री नीचे ए का वैल्यू दिया है सिक्सटी डिवाइडेड बाई टू तो ये हो जाएगा क्या साइन थर्टी डिग्री अब साइन सिक्सटी हम लोग जानते हैं कि ये हो जाएगा क्या रूट थ्री बाय टू और साइन थर्टी होता है वन बाय टू तो ये हो जाएगा टू बाय वन ये टू टू कट जाएगा तो ये हो जाएगा क्या रूट थ्री तो उस प्रिज्म के मेटल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा रूट थ्री और ये रूट थ्री जो है बच्चों वह ऑप्शन वन में है तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर वन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर है बच्चों द मैग्निफाइंग पावर ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इन द नॉर्मल एडजस्टमेंट इन द नॉर्मल एडजस्टमेंट पोजिशन इज थर्टी तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है अब एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है उसमें बोला गया एक नॉर्मल एडजस्टमेंट है उस नॉर्मल एडजस्टमेंट में बोल दिया गया है क्या कि मैग्नीफाइंग पावर का वैल्यू दे दिया गया है थर्टी इफ द लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप इज वन फिफ्टी फाइव सेंटीमीटर इन दिस एडजस्टमेंट फाइन द फोकल लेंथ ऑफ द टू लेंसेज ओके तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है तो बच्चों हम लोग जानते हैं क्या कि मैग्नीफाइंग पावर जो होता है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का और खासकर नॉर्मल एडजस्टमेंट के सिचुएशन में तो उसका जो वैल्यू होता है बहुत सिंपल सा होता है वो हो जाता है एफ ओ बटे एफ ई और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका वैल्यू दे दिया गया है थर्टी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का वैल्यू दे दिया गया है थर्टी फिर साथ ही साथ टेलीस्कोप का ट्यूब का लेंथ भी दे दिया है तो हम लोग जानते हैं क्या कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में ट्यूब का लेंथ जो होता है वह होता है एफ ओ प्लस एफ ई और इसका वैल्यू दे दिया है वन uh, सेंटीमीटर तो देखो तो बच्चों यहाँ से एफ ओ जो हो जाएगा वह हो जाएगा थर्टी एफ ई प्लस एफ ई बराबर मिल रहा है 155 सेंटीमीटर यानी थर्टी वन एफ ई बराबर हो जा रहा है 155 सेंटीमीटर तो यहाँ से बच्चों निकल जाएगा एफ़ ई का वैल्यू यहाँ से बच्चों निकल जाएगा एफ़ ई का वैल्यू और एफ़ ई का जो वैल्यू मिल रहा है वो मिल जाएगा 5 सेंटीमीटर जैसे ही एफ ई मिल गया तो ऑब्जेक्टिव का जो है वह हाँ भी मिल जाएगा थर्टी से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वन फिफ्टी सेंटीमीटर यानी कि आई पीस का फोकल लेंथ है फाइव सेंटीमीटर और ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ है वन फिफ्टी सेंटीमीटर जो कि दिख रहा है ऑप्शन नंबर फोर में तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फोर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव में है बच्चों

अंडर रूट ए वन का स्क्वायर जोर ए टू का स्क्वायर जोर टू ए वन ए टू कॉस फाइ जिसमें ए वन के जगह पर है नाइन तो नाइन का स्क्वायर फिर फाइव का स्क्वायर फिर टू इंटू नाइन इंटू फाइव इं कॉस और वह जो है फाइव बाई थ्री यानी कि हो जाएगा सिक्सटी डिग्री ठीक है तो यह हो जाना है एट्टी वन प्लस ट्वेंटी फाइव और कॉस सिक्सटी हो जाएगा वन बाई टू तो ये कर जाएगा तो हो जाएगा फोर्टी फाइव यह हो जाएगा फोर्टी तो, फाइव तो जब इसको पुट करते हो तो इन सब का जो वैल्यू निकलेगा वह ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली निकलता है नाइन पॉइंट एट के बराबर तो ऑलमोस्ट इसका जो वैल्यू मिलता है ऑलमोस्ट जो इसका वैल्यू मिलता है वह मिलता है ट्री के बराबर तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जा रहा तो है ऑप्शन नंबर टू तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन नंबर टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स में बच्चों इफ एन इंटरफ्रेंस एक्सपेरिमेंट फोर्थ ब्राइट फ्रिंज इज ऑप्टेंड एट ए पॉइंट ऑन द स्क्रीन विथ लाइट ऑफ सिक्स हंड्रेड नैनोमीटर ओके यंग एक्सपेरिमेंट वाला एक्सपेरिमेंट है बोला गया फोर्थ ब्राइट फ्रिंज मिल रहा है एट ए पॉइंट ऑन द स्क्रीन विथ लाइट ऑफ सिक्स हंड्रेड निनोमीटर व्हाट सुड बी द वेन्थ ऑफ द लाइट सोर्स इन ऑर्डर टू अपटेंट सिक्स फ्रेंज एट दैट सेम पॉइंट अच्छा यानी इसमें क्या है कि डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है स्लिट वही है पॉइंट uh, जो स्क्रीन पर लिया जा रहा है वह भी सेम लिया जा रहा है लेकिन लाइट का चेंज किया जा रहा है वेव लेंथ और तब पूछा जा रहा है क्या कि तुम कितना वेवलेंथ का लाइट यूज करोगे ताकि उसी सेम पॉइंट पर फोर्थ ब्राइट फ्रिंज के जगह सिक्स ब्राइट फ्रिंज बने तो इसके लिए हम लोग जानते हैं क्या सिंपल सा एक फॉर्मूला रहता है कि एन वन लेमडा वन बराबर हो जाता है एन टू लेमडा टू तो एन टू लेमडा टू पूछा जा रहा है तो ये हम लोग जानते हैं हम लोग जानते हैं कि यंग किस एक्सपेरिमेंट में हो जाता है एन वन लेमडा एन टू लेमडा टू तो देखो बच्चों लेमडा टू पूछ रहा है तो लेमडा टू बराबर हो जाना है एन वन लेमडा वन डिवाइडेड बाय एन टू एन वन के जगह पर है फोर लेमडा वन के जगह पर है सिक्स हंड्रेड नाइनोमीटर एन टू के जगह पर है सिक्स तो इसको जब सॉल्व करोगे इसको जब सॉल्व करोगे तो यह हो जाता है 400 हंड्रेड इंटू टेन टू पावर माइनस नाइन यानी यह हो जाएगा 400 हंड्रेड और इसका करेक्ट ऑप्शन दिख रहा है ऑप्शन नंबर थ्री तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर थ्री नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन है ए स्लिट ऑफ इज इल्यूमिनेटेड बाय ज इलिनेटेड बाय लाइट ऑफ वेवल सिक्स हंड्रेड एंगस्टम फॉर वॉट वैल्यू ऑफ डी विल द सेकेंड मैक्सिमम फॉल एट एन एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन डिग्री तो देखो बच्चों हम लोग जानते हैं क्या डिफ्रैक्शन हम लोग का जो फॉर्मूला आता था वो आता था डी साइन थीटा बराबर एन लैमडा ये होता था मिनमा के लिए और डी साइन थीटा बराबर एन प्लस हाफ लैमडा ये होता था मैक्सिमा के लिए क्योंकि इस क्वेश्चन में मैक्सिमा की बात हो रही है तो हम लोगों का जो सपोर्टिंग फॉर्मूला होगा वो यही होगा डी साइन थीटा बराबर एन प्लस हाफ लैमडा अब क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि वेवलेंथ लिया गया है सिक्स हंड्रेड एंगस्टर्म सेकेंड मैक्सिम की बात हो रही है तो एन के जगह टू पुट करना है और आपसे पूछा जा रहा है एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन भी दे दिया गया है तो डी का वैल्यू चाहिए तो इसमें हम लोगों को पुट करना है मैं इसमें पुट करता हूँ तो डी ये हो जाएगा साइन थीटा के जगह पर हो जाएगा थर्टी डिग्री एन के जगह पर होगा टू प्लस हाफ और लैमडा के जगह पर पुट कर देना है सिक्स थाउजेंड एंगस्ट्रम्प यानी टेन टू डी पावर माइनस टेन ओके बच्चों अब यहाँ से हम लोग को निकाल देना है डी का वैल्यू है क्लियर यहाँ से हम लोग को निकाल देना है डी का वैल्यू तो देखो तो बच्चों ये हो जाना है क्या फाइव बाई टू मल्टीप्लाइड बाय सिक्स थाउजेंड इंटू टेन टू डी पावर माइनस टेन अरे साइन थर्टी जो है वन बाई टू होगा तो इधर भी टू से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये टू ये टू खत्म हो गया ठीक है कट गया कैंसिल आउट हो गया तो ये हो जाएगा थर्टी थाउजेंड मल्टीप्लाइड बाय टेन टू डी पावर माइनस टेन तो इसको जब तुम सिंप्लीफाई करते हो इसको जब तुम सिंप्लीफाई करते हो तो यह तुमको मिल जाएगा थ्री इंटू टेन टू पावर माइनस सिक्स मीटर के बराबर और यह दिख रहा है ऑप्शन नंबर वन में यह दिख रहा है ऑप्शन नंबर वन में तो क्वेश्चन ट्वेंटी सेवन का करेक्ट ऑप्शन जो है वह है ऑप्शन नंबर वन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट में बच्चो वेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑन ए मेटेरियल इज सिक्सटी डिग्री द रिफ्लेक्टेड लाइट इज कम्प्लीटली पोलराइज अच्छा मतलब कि एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर सिक्सटी डिग्री रह रहा है तो वह रिफ्लेक्टेड लाइट जो है वह पोलराइज हो जा रहा है तो इसका मतलब है कि यह सिक्सटी डिग्री रह रहा होगा एंगल ऑफ पोलाइजेशन यह रह रहा होगा एंगल ऑफ पोलाइजेशन और ब्रिस्टर्स लॉ कहता है क्या कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बराबर हो जाता है टैन वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ पोलाइजेशन इस क्वेश्चन में एंगल ऑफ पोलाइजेशन सिक्सटी दे दिया है तो यह हो जाएगा टेन सिक्सटी अब टेन सिक्सटी का वैल्यू हो जाएगा रूट थ्री इसका मेट ये है कि जिस मेटल पे लाइट इंसिडेंस करवा जा रहा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू हम लोगों ने खोज लिया उसका वैल्यू है रूट थ्री ओके अब बोला जा रहा है क्या द वेलोसिटी ऑफ रिफ्रैक्टेड रे इनसाइड द मेटेरियल तो उस मेटेरियल के अंदर में स्पीड ऑफ लाइट क्या रहेगा तो हम लोग जानते हैं कि किसी मेटेरियल के अंदर में स्पीड ऑफ लाइट जो हो जाता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स

मैं पढ़ता हूं एसरसन में जो है एसरसन में दिया गया है क्या कि फोर्स अप्लाइड ऑन ब्लॉक मूविंग इन वन डायमेंशन इज प्रोड्यूसिंग ए कॉन्स्टेंट पावर देन द मोशन शुड बी यूनिफॉर्मली एक्सीटेड फोर्स अप्लाइड ऑन ए ब्लॉक मूविंग इन वन डायमेंशन इज प्रोड्यूसिंग ए कॉन्स्टेंट पावर देन द मोशन शुड बी यूनिफॉर्मली एक्सीटेड बोला जा रहा है क्या कि एक ब्लॉक है वन डायमेंशन में चल रहा है उस पर एक फोर्स लग रहा है और फोर्स ऐसे लग रहे हैं जो कि कांस्टेंट पावर उसको प्रोवाइड कर रहा है तो वह चल रहा होगा कांस्टेंट एक्सीलरेशन से तो यह स्टेटमेंट फॉल्स है यह स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पावर बराबर होता है एफ डॉट भी अगर पावर कांस्टेंट है तो इसका मतलब है कि भी कांस्टेंट होगा और भी अगर कांस्टेंट है तो वह यूनिफॉर्मली एक्सीटेड नहीं होगा बल्कि वह यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा होगा इसलिए यह फॉल्स हो गया रीजन में क्या दिया है द कॉन्स्टेंट पावर मल्टीप्लाइड विथ टाइम इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो चेंज इन यस यह तो ट्रू है तो पहला फॉल्स हो गया रीजन जो है ट्रू हो गया तो यह हम लोग को दिख रहा है ऑप्शन नंबर टू में तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी क्वेश्चन नंबर थर्टी क्वेश्चन नंबर थर्टी में है

यू ए बटे यू बी का होल स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा वन डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा टू लिखा जा सकता है ठीक है अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों सेम हाइट तक गया है सेम हाइट तक गया है तो एच ए बटे एच बी बराबर हो जाना है वन और यू ए बटे यू बी दे दिया है रूट टू बटे वन तो रूट टू बट्टे वन का होल स्क्वायर थीटा वन दे दिया था सिक्सटी डिग्री तो साइन सिक्सटी हो जाएगा रूट थ्री बाय टू तो यह हो जाएगा रूट थ्री बाई टू और यह साइन स्क्वायर थीटा टू हम लोग खोज ही रहे हैं यह बराबर हो जा रहा है वन यह बराबर हो जा रहा है वन तो यहाँ से हम लोग को निकाल लेना है साइन थीटा टू तो यहाँ से हम लोग को निकाल लेना है साइन स्क्वायर थीटा टू अब फिर कैलकुलेट करके निकाल लेना है साइन थीटा टू और तब यह दे देगा हम लोगों को थीटा टू का वैल्यू तो जब तुम इसे कैलकुलेट करते हो तो थीटा टू का जो वैल्यू है वह मिलता है ऑप्शन नंबर थ्री के बराबर और वह होता है साइन इनवर्स रूट थ्री बाय टू यानी क्वेश्चन नंबर थर्टी का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर थ्री नेक्स्ट थर्टी वन क्वेश्चन नंबर थर्टी वन क्वेश्चन नंबर थर्टी वन में ए पार्टिकल इज मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ ऑफ थ्री मीटर रेडियस एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इट्स स्पीड इज सिक्स मीटर पर सेकेंड And the speed is increasing at a rate of फाइव मीटर पर सेकेंड स्क्र द मैग्नीच्यूड ऑफ द नेट एक्सलेशन एट दिस इंस्टेंट देखो बच्चों क्वेश्चन सही बोल दिया है क्या कि tangential acceleration का वैल्यू दे दिया है फाइव meter per second square. और चलने वक्त उसका radius दे दिया है और किसी वक्त उसका स्पीड दे दिया है तो हम लोग निकाल ले सकते हैं इसका centripetal acceleration. और सेंटीपीटल एक्सिलेशन हो जाता है भी स्क्वायर बटे आर तो भी का वैल्यू दे दिया है सिक्स ये हो गया सिक्स मल्टीप्लाइड बाई स आर का वैल्यू दे दिया है थ्री ये तो यह हो गया क्या ट्वेल्व मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हम लोग से पूछा जा रहा है नेट एक्सेलेशन तो नेट एक्सेलेशन हो जाता है अंडर रूट टेंजेंशियल एक्सेलेशन का स्क्वायर प्लस सेंटीपीटल एक्सेलेशन का स्क्वायर तो इट विल बी अंडर रूट फाइव का स्क्वायर प्लस ट्वेल्व का स्क्वायर जब इसको सिंप्लीफाई करोगे बच्चों तो यह मिल जाएगा थर्टीन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और यह दिख रहा हम लोग को ऑप्शन नंबर वन में तो थर्टी वन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर वन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी टू क्वेश्चन नंबर थर्टी टू में बच्चों, फॉर ए परफेक्टली रिजिड बॉडी देखो बच्चों, परफेक्टली रिजिड बॉडी वाजिब आइडियल रिजिड बॉडी होगा क्योंकि कोई भी रिजिड बॉडी परफेक्टली रिजिड होता नहीं है लेकिन आइडियल ही पूछा जा रहा आपसे कि अगर कोई रिजिड बॉडी परफेक्टली रिजिड बॉडी है तो उसके लिए यंग्स मॉडल्स और बल्क मॉडल्स का वैल्यू क्या होगा तो सीधी सी है बात बच्चों कि जो भी परफेक्टली रिजिड बॉडी होगा उस पर आप बड़ा से बड़ा भी फोर्स लगाओगे तो उसके डायमेंशन में चेंज नहीं आएगा और उसके डायमेंशन में चेंज नहीं आएगा उसके डायमेंशन में चेंज नहीं आएगा तो इसका मतलब कि उसमें स्ट्रेन प्रोड्यूस नहीं होगा तो स्ट्रेन का वैल्यू हो जाएगा जीरो अब यंग्स मॉडल्स होता है स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन और स्ट्रेन का वैल्यू तुम जीरो पुट कर रहे हो तो क्लियर बात है क्या कि यंग्स मॉडल्स का वैल्यू हो जाना है इन्फिनिटी और उसी तरीके से बल्क मॉडल का वैल्यू भी हो जाना है इन्फिनिटी तो परफेक्टली रिजिड बॉडी के लिए यंग्स मॉडल्स इज इनफाइनाइट एंड बल्क मॉडल्स इज ऑल्सो इनफाइनाइट करेक्ट ऑप्शन दिख रहा है बच्चों ऑप्शन नंबर टू थर्टी टू का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री में बच्चों व्हाई आर ड्रॉप्स एंड बबुल्स स्फेरिकल ये तो डायरेक्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चन है नॉलेज वाइज बोला जा रहा है कि कोई भी ड्रॉप्स या बबल्स स्फेरिकल क्यों होते हैं तो क्यों होते हैं तो इसका तो जवाब बहुत सिंपल सा रहेगा क्या सरफेस टेंशन है मिनिमम एनर्जी है उसके सरफेस पे एनर्जी का वैल्यू मिनिमम रहे तो सीधी सी बात है क्या कि सरफेस विथ मिनिमम एनर्जी ड्रॉप और बबल्स पे सरफेस जो रखते हैं उसकी वैल्यू एनर्जी की वैल्यू काफी मिनिमम रहती है तो उस मिनिमम इनर्जी के कारण ड्रॉप और बबू उसका जो शेप हो जाता है वो हो जाता है स्फ़ेरिकल तो क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री का करेक्ट ऑप्शन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ ए कॉपर बॉल ऑफ रेडियस फोर मिलीमीटर फॉलिंग थ्रू ए टैंक ऑफ वाइल एट ट्वेंटी डिग्री सेंटीग्रेड इज 12 सेंटीमीटर पर सेकंड एक कॉपर का बना हुआ बॉल है रेडियस उसकी दे दी गई है उसको एक तेल के कंटेनर में छोड़ दिया गया है वह उसमें जा रहा है और जब वो फॉल कर रहा है तो उसकी टर्मिनल वेलोसिटी दे दी गई है तो देखो बच्चों टर्मिनल वेलोसिटी का सीधा मतलब हो गया कि वेलोसिटी कांस्टेंट है विस्कस फोर्स जो लग रहा होगा बायनसी फोर्स जो लग रहा होगा एमजी जो लग रहा होगा उन सब के बदौलत नेट फोर्स होगा जीरो एक्सिलेशन का वैल्यू होगा जीरो और वेलोसिटी से वह फॉलो हो रहा है कि नीचे जा रहा है जिसका नाम है टर्मिनल वेलोसिटी अब आपसे पूछा जा रहा है कंप्यूट द विस्कोसिटी ऑफ द वॉल उस कंटेनर में जो वाइल रखा हुआ है तो उसका पूछा जा रहा है ऑफ विस्कोसिटी क्या होगा उसी ट्वेंटी डिग्री सेंटीग्रेड पे टेम्परेचर में चेंज नहीं आया है डेंसिटी ऑफ वाइल दे दी गई है डेंसिटी ऑफ कॉपर दे दी गई है तो अब हम लोग को कहा जा रहा है कि इस दिए गए डेटा से बताओ क्या होगा कॉफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी तो देखो बच्चों हम लोग जानते हैं हम लोग जानते हैं कि टर्मिनल वेलोसिटी बराबर हो जाया करता है टू आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय डी माइनस रू जी डिवाइडेड बाय नाइन टाइम्स एटा नाइन टाइम्स एटा जिससे कि अगर मैं यहाँ से एटा लिखूं

कॉपर बॉल का और वाइल का दे दिया है थ्री पॉइंट फाइव तो यह हो जाएगा नाइन माइनस थ्री पॉइंट फाइव जी का वैल्यू हम लोग जानते हैं कि पुट कर सकते हैं टेन डिवाइडेड बाय नाइन और टर्मिनल वेलोसिटी का वैल्यू दे दिया है ट्वेल्व सेंटीमीटर पर सेकेंड तो यह भी दे दिया है ट्वेल्व सेंटीमीटर पर सेकेंड यानी ट्वेल्व इंटू टेन टू डी पावर माइनस टू तो फिर इसको जब हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं इसको जब हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो हम लोग को जो मिलेगा इन सबको सिंप्लीफाई करने के बाद 1.63 1.63 के बराबर इतना बराबर आता है और यह है ऑप्शन नंबर थ्री में तो बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर का ऑप्शन नंबर थ्री है करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव में बच्चों इफ़ ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट जी वेलोसिटी वी एंड टाइम टी आर टेकन एज फंडामेंटल यूनिट्स द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ मास विल भी तो हम लोग इसको ऐसे बनाया करते थे याद करो यूनिट डायमेंशन का क्वेश्चन है ठीक है तो मैं कहता हूँ क्या कि मास का डायमेंशन पूछा जा रहा है तो मान लिया मैं कि मास का डायमेंसन ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट के डायमेंशन का पावर एक्स वेलुसिटी का पावर वाई और टाइम का पावर जेड पर डिपेंड कर रहा है पे डिपेंड कर रहा है तो अब अगर एक्स वाई जेड का वैल्यू हम लोग खोज देते हैं और पुट कर देंगे तो मिल जाएगा पूछे गए सवाल का जवाब तो अब मैं इसे आगे बढ़ाता हूँ जी का डायमेंशन फॉर्मूला तो जी का डायमेंशन फॉर्मूला याद होगा बच्चों इसका हो जाता है एम पे पावर माइनस वन एल क्यूब टी पे पावर माइनस टू का तो हम लोग जानते हैं एल टी माइनस वन इस पर पावर एक्स इस पर पावर वाई और टी तो टी ही है तो इस पर पावर जेड और इधर जो है केवल एम है अब दोनों तरफ पावर को इक्वेट करवा दिया जाए कॉम्प करवा दिया जाए तो एम का पावर वन है और इधर एम का पावर माइनस एक्स है तो एक इक्वेशन ये हाथ लग गया फिर एल का पावर तो एल का पावर इधर जीरो है इधर एल का पावर जो दिख रहा है वह दिख रहा है थ्री एक्स है, फिर दिख रहा है प्लस वाई ये हो गया दूसरा इक्वेशन फिर t का पावर लेफ्ट साइड में जीरो है राइट साइड में यहाँ से दिख रहा है कि माइनस टू एक्स है यहाँ दिख रहा है माइनस वा है यहाँ दिख रहा है जेड है तो यह हो गया तीसरा इक्वेशन अब इसी तीन इक्वेशन को हम लोग को सॉल्व करके निकाल लेना है एक्स वाई जेड का वैल्यू तो ये हो गया इक्वेशन वन ये हो गया इक्वेशन टू ये हो गया इक्वेशन थ्री अब एक्स का वैल्यू तो यहाँ से दिख ही रहा कि कि हो जाना है माइनस वन तो एक्स का वैल्यू तो हम लोग देख पा रहे हैं कि वह हो जा रहा है माइनस वन और एक्स के वैल्यू को इक्वेशन टू में पुट करोगे तो वह दे देगा तुमको वाई का वैल्यू तो वह दे देगा तुमको वाई का वैल्यू वाई का वैल्यू हो जाना है माइनस थ्री एक्स इसका मतलब यह हो जाएगा क्या माइनस थ्री और इन सबको जब इसमें पुट कर दोगे तो मिल जाएगा तुमको जेड का वैल्यू तो इसमें जब पुट करोगे तो तुमको मिल जाएगा जेड का वैल्यू जो कि हो जाना है प्लस टू एक्स और प्लस वाई तो प्लस टू प्लस वाई जब पुट करोगे तो जेड का वैल्यू तुमको मिलेगा वन के बराबर तो बस फिर क्या है हो जाना है जेड जी का पावर एक्स तो ये हो गया क्या माइनस वन फिर भी का पावर वाई ये हो गया क्या माइनस थ्री और टी का पावर हो गया वन तो ये हो गया टी का पावर वन तो मास का जो बोला जा रहा था मास का जो बोला जा रहा था कि डायमेंशन फॉर्मूला इस केस में क्या होगा तो यह हो जाएगा जी पे पावर माइनस वन भी का पावर माइनस थ्री और टी अच्छा ये तो फर्स्ट ही है तो क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर वन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स है बच्चों

तुमको याद होगा कि इस एटोड मशीन में टेंशन का वैल्यू जो मिल जाता था वो मिल जाता था टू एम वन एम टू जी डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू ये मिल जाता है ये मिल जाता है तो इसका जो वैल्यू होगा आ, ये हो जाएगा टू एम वन के जगह पर मैं कर रहा हूँ थ्री एम टू की जगह पर मैं लिख रहा हूँ नाइन ये हो जाएगा जी और डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू जो होगा तो ये हो जाना है थ्री और प्लस ये हो जाना है नाइन तो ये हो जाएगा टू इंटू थ्री इंटू नाइन आ डिडेड बाई ट ये हो जाना है इतना जी तो कटा तो ये हो गया टू तो ये हो जा रहा है नाइन बाई टू जी ये हो जा रहा है नाइन बाई टू जी अब ये मिल गया टेंशन का वैल्यू टेंशन का जो वैल्यू मिला है नाइन बाई टू जी के बराबर या देखो बच्चों इसे तुम इस ऐसे भी बना सकते हो एक्सलेशन निकाल के एक्सलेशन निकाल के ये कहते हुए कि ये और ये तो ये नीचे जाएगा और यह ऊपर जाएगा और एक्सलेशन का वैल्यू होगा ए तो ए तो का जो वैल्यू होगा तो वह लिखाएगा एम टू माइनस एम वन जी और डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू तो एम टू का वैल्यू नाइन है तो नाइन माइनस थ्री जी ये हो जाएगा ट्वेल्व तो ये हो जाएगा सिक्स जी डिवाइडेड बाय ट तो कट के हो जाएगा जी बाय टू अब इधर टेंसन निकालना है तो यह है टी और नीचे है एम वन जी और ऊपर की एक्सलेटेड है तो इक्वेशन लिखा जाएगा टी माइनस एम वन जी बराबर हो जा रहा है एम वन ए तो टेंशन का वैल्यू हो जाएगा टी बराबर एम वन जी और प्लस एम वन ए अब एम वन जी और ए का वैल्यू है जी बाई टू तो ये हो जाएगा एम वन जी बाय टू तो ये हो जा रहा है थ्री बाय टू एम वन जी थ्री बाय टू एम वन का वैल्यू दिया गया है थ्री ये हो जा रहा है बच्चों नाइन बाई टू इंटू जी है यहां भी टी है आ, इसको यह काउंटर बैलेंस किए हुए है पी से तो यह क्लियर है कि पी का वैल्यू जो होगा वह होगा टू टी के बराबर वह हो जाना है टू टी के बराबर तो, तो टू तो टी का जो वैल्यू मिलेगा बच्चों तो यह हो गया टू टी का वैल्यू निकला है नाइन बाय टू जी यह टू यह टू कट जाएगा तो नाइन जी तो नाइन इंटू टेन इसका वैल्यू हो जाना है नाइनटी न्यूटन इसका वैल्यू हो जाना है नाइनटी न्यूटन जो कि हम लोग को मिल रहा है ऑप्शन नंबर टू में तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन 37 में फोर्स फोर्स ए प्लस एक्स 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 ऑन पार्टिकल इन द द डायरेक्शन व्हाट वुड बी वर्क डन बाय दिस फोर्स ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम एक्स बराबर जीरो जा रहा है तो हम लोग जानते हैं वर्क डन हो जाता है इंटीरियर एफ डी एक्स तो यह दे दिया गया है ट्वेंटी अ प्लस पॉइंट सेवन फाइव तो यह हो जाएगा थ्री बाई फोर एक्स डी एक्स और एक्स का वैल्यू लेना है जीरो से फोर तक तो ये हो जाना है बच्चों ट्वेंटी एक्स और प्लस ये हो जाना है थ्री बाई फोर एक्स स्क्वायर बटे टू जीरो से फोर तक वैल्यू अगर मैं पुट करता हूँ तो ट्वेंटी मल्टीप्लाइड बाय फोर अ प्लस ये हो जाएगा थ्री बाई एट ये हो जाना है फोर मल्टीप्लाइड बाय फोर है क्लियर ठीक है अब जब इसमें पुट करते हो बच्चों तो थर्टी सेवन में तुमको मिल जाएगा एट्टी सिक्स जूल के बराबर ते मिल एट्टी सिक्स जूल के बराबर तो क्वेश्चन सेवन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर वन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी एट में है ए स्टोन थ्राउन अपवर्ड विथ स्पीड यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर रीचेज द ग्राउंड विथ स्पीड फाइव यू द हाइट ऑफ द टावर इज इसमें है बच्चों एक टावर दिया है इस टावर की ऊंचाई एच मान लेता हूं मैं अरे यहां से एक बॉल को प्रोजेक्ट किया गया है यू से बोला गया कि यह जो जमीन पर ग्राउंड पाकर टकराया है तो भी स्पीड से टकराया है तो इसका वैल्यू दे दिया है फाइव यू के बराबर तो पूछा जा रहा है एच का वैल्यू क्या होगा तो इसमें हम लोग यूज कर सकते हैं एनर्जी कंजर्वेशन लॉ तो यहाँ पर का जो होगा वो हो जाएगा क्या हाफ एम यू स्क्वायर अब प्लस एम जी एच इनिशियल पॉइंट पे फाइनल पॉइंट पे जो होगा वो हो जाएगा हाफ एम बी स्क्वायर यानी कि फाइव यू का होल स्क्वायर अब पोटेंस एनर्जी हो जाएगा जीरो तो ये एम 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 हो जाएगा कैंसिल आउट और जब इसको और सिंप्लीफाई मैं करूंगा तो यू स्क्वायर बटे टू जी एच इज इक्वल टू हो जा रहा है ट्वेंटी फाइव यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू तो यहां से हम लोग एच का वैल्यू निकालें तो जब इसे सिंपलीफाई करोगे बच्चों तो एच का वैल्यू जो मिलेगा वो मिलेगा ट्वेल्व यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी जो कि है ऑप्शन नंबर टू में तो क्वेश्चन नंबर थर्टी एट का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन क्वेश्चन नंबर थर्टी में बच्चों इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास इज टेकन फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अर्थ रेडियस आर टू ए हाइट फोर द वर्क डन इज एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास दे दिया गया स्मॉल एम कहा गया अर्थ के सरफेस पर से उसको उठा के फोर आर हाइट तक ले जाने में कितना करना पड़ेगा वर्क डन तो हम लोग जानते हैं क्या कि कंजर्वेटिव फील्ड है ग्रेविटेशन फील्ड तो ग्रेविटेशन फील्ड के अगेंस्ट में जो वर्क डन होगा तो डेट मच वर्क डन इज नथिंग बट इट इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एंड इट विल बी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी अब जो पोटेंशियल एनर्जी के जो वैल्यू होंगे तो वह हो जाएगा माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाय फोर आर का हाइट पे गया है तो यह हो जाएगा फोर आर प्लस आर फाइनल सेपरेशन फिर माइनस माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाय अर्थ सरफेस पे तो यह हो जाएगा आर तो ये हो जा रहा है बच्चों माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाय फाइव आर आइए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा जी एम एम डिवाइडेड बाय आर तो देखो बच्चों इसमें जो हम लोग निकालेंगे तो यह जो वर्क डन का जो वैल्यू मिलेगा तो यह डन का वैल्यू मिलता है हम लोगों को फोर बाय फाइव फोर बाय फाइव जी एम एम डिवाइडेड बाय आर डिवाइडेड बाय आर लेकिन आंसर में स्मॉल जी का यूज है तो हम लोग जानते हैं क्या हम लोग जानते हैं क्या कि स्मॉल जी को अगर हम लोग इंसर्ट करेंगे तो कैपिटल जी एम बराबर स्मॉल जी आर स्क्वायर हो जाता है हम लोग जानते हैं कि जी एम इज इक्वल टू लिखा जा सकता है क्या जी आर स्क्वायर तो उसी का मैं यहाँ पर यूज कर लेता हूँ तो यह हो जाएगा फोर बाय फाइव जी एम को मैं लिख देता हूँ जी आर स्क्वायर स्मॉल एम आ डिवाइडेड बाय आर एक आर ऐसे कट गया तो हम लोग लिख सकते हैं इसको कि यह हो जाएगा फोर बाय फाइव और एम जी आर फोर बाय फाइव एम जी आर तो यह तो दिख रहा है हम लोग को ऑप्शन नंबर थ्री में तो क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर थ्री नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टी क्वेश्चन नंबर फोर्टी में बच्चों गैस फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द द्लैनेट बिकॉज इट एक्वास एंड द विल डिपेंड ऑन स्केच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स सिंपल सा क्वेश्चन है स्केप वेलोसिटी से रिलेटेड पूछा जा रहा है कि स्केप वेलोसिटी किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है तो हम लोग देखते हैं पहला मास ऑफ द पार्टिकल से स्केप ना जो मास जो पार्टिकल स्केप कर गया उसके मास पे नहीं डिपेंड करता है बल्कि जिस प्लेनेट पर से किया है उसके मास पे डिपेंड करता है हाँ रेडियस ऑफ द प्लेनेट पे डिपेंड करता है मास ऑफ द प्लेनेट पे डिपेंड करता है टेम्परेचर ऑफ द प्लेनेट पे डिपेंड करता है तो वेलोसिटी इन तीन पे डिपेंड करता है तो यह तो करेक्ट ऑप्शन दिख रहा है ऑप्शन वन में ही क्योंकि ऑप्शन वन में बोला जा रहा है टू थ्री एंड फोर वन तो क्वेश्चन नंबर फोर्टी का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर वन नेक्स्ट फोर्टी वन क्वेश्चन फोर्टी वन में बच्चों, एन आर्टिफिशियल मूविंग इन सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ के एक आर्टिफिशियल सेटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है तो रिवॉल्व करता है तो हम लोग जानते हैं कि उसका जो टोटल इनर्जी होता है तो उसके टोटल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है हम लोग जानते रहते हैं कि यह है माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाई टू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग यह भी जानते हैं कि इसके कायनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल इनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता, होता है वह होता है जी एम एम डिवाइडेड बाय टू आर और पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाय आर तो देखो बच्चों यहां से साफ दिख रहा है माइनस जी एम एम बटे टू आर का जो वैल्यू है वह दे दिया है टू ई नॉट यहां से हम लोग निकाल लेंगे ई नॉट किसको कहेंगे और उसको यहां पुट करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मेट आ जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मेट आ जाना है माइनस टू ई नॉट के बराबर और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मेट आ जाना है फोर नॉट के बराबर ठीक है बच्चों तो क्वेश्चन बोला जा रहा कि क्या -क्या तो तो E0, E0, तो है कि पोटेंशियल इनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी होगा फोर होगा? नॉट और कैनेटिक एनर्जी होगा माइनस टू ई नॉट तो फोर ई नॉट माइनस टू ई नॉट तो मिल रहा है ऑप्शन नंबर फोर में तो क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फोर नेक्स्ट फोर्टी टू फोर्टी टू में है बच्चों फोर्टी टू में बच्चों ए थिन रॉड ऑफ लेंथ एफ बाई फोर इज प्लेस्ड अलॉन्ग द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कंकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ सच दैट इट्स इमेज जस्ट टचेज द रॉड कैलकुलेट मैग्निफिकेशन देखो बच्चों कंकेव मिरर दे दिया गया है एक ऑब्जेक्ट है उसका लेंथ दे दिया है एफ बाय फोर ऐस से इसकी दूरी है टू एफ मेन बात ये बोला गया है क्या कि इसका इमेज जस्ट टचेज द रॉड मतलब जस्ट जहां पर यह ऑब्जेक्ट है उससे ही सटा हुआ बन रहा है इमेज तो अब हम लोग इसमें क्या करेंगे यूज करेंगे अब इसमें हम लोग यूज करेंगे पहले पॉइंट ए के लिए तो पॉइंट ए के लिए हम लोग लागू करते हैं मिरर फॉर्मूला पॉइंट ए के लिए देखो तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो हो जा रहा है वो हो जा रहा है क्या टू एफ माइनस एफ बाई फोर तो टू एफ माइनस एफ बाई फोर जो है वो हो जाना है सेवन एफ बाई फोर ओके अब हम लोग इसमें मिररल फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो वन बाय भी प्लस वन बाय यू बराबर हो जाना है वन बाय एफ ये हो गया वन बाय भी यू के जगह पुट जो होगा माइनस में पुट होगा तो माइनस में पुट होगा तो ये हो जाना है क्या माइनस फोर बाय सेवन एफ अब बराबर इसके जो एफ़ के वैल्यू होंगे वह भी माइनस में पुट होगा तो ये हो जाएगा माइनस वन बट एफ तो इससे हम लोग निकाल लेंगे भी का वैल्यू और भी का वैल्यू जो मिल रहा है बच्चों वो मिल रहा है माइनस सेवन एफ़ डिवाइडेड बाय थ्री ये पॉइंट ए का मिला तो देखो बच्चों, अब हम लोग लेंथ ऑफ इमेज निकाल दें तो लेंथ ऑफ इमेज अगर मैं निकालता हूं तो लेंथ ऑफ इमेज जो मिलने जा रहा है वो मिलने जा रहा है सेवन एफ बाय थ्री माइनस टू एफ माइनस टू एफ जो कि मिल जाएगा बच्चों एफ बाय थ्री तो देखो तो ऑब्जेक्ट है एफ बाई फोर लेंथ ऑफ इमेज मिल जा रहा है एफ बाई थ्री और तब तुमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बताओ क्या होगा मैग्नीफिकेशन तो हम लोग जानते हैं कि मैग्निफिकेशन हो जाता है माइनस ऑफ लेंथ ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट तो माइनस लेंथ ऑफ इमेज जो है वह है एफ बाय थ्री और लेंथ ऑफ इमेज जो है ऑब्जेक्ट जो है वह है एफ बाई फोर यह एफ एफ कैंसिल आउट हो गया तो यह मिल जाएगा हम लोगों को यह मिल जाएगा हम लोगों को माइनस फोर बाय थ्री माइनस फोर बाय थ्री तो हम लोग जो इसके ऑप्शन में देखते हैं तो निगेटिव तो यह बात बता रहा है क्या ऑब्जेक्ट का साइज लेकिन अगर वैल्यू की बात करते हैं तो उसका वैल्यू मिल रहा है फोर बाय थ्री जो कि मिल रहा है ऑप्शन नंबर टू में तो क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर टू नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्टी थ्री क्वेश्चन फोर्टी थ्री में बच्चों, ऑफ़ द फॉलोइंग कुड नॉट प्रोड्यूस ए वर्चुअल इमेज मतलब चार सिचुएशन दिए हैं। क्वेश्चन इमेज प्रोड्यूस करता है कनकेव हाँ, मिरर हाँ यह भी करता है ऑल द एब कैन प्रोड्यूस ए वर्चुअल इमेज यस तो क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फोर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 क्वेश्चन 44 में बच्चों इन ए थिन प्रिज़्म ऑफ ग्लास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 इन ए थिन प्रिज़्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस बिटवीन द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन एंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर विल बी करेक्ट देखो बच्चों बोला गया है क्या कि एक थिन प्रिज़्म है थिन प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया गया है मिनिमम डेविएशन और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बीच में पूछा जा रहा है क्या होगा रिलेशन तो हम लोग जानते हैं कि थिन म्यू माइनस वन इंटू ए बराबर हो जाता है मिनिमम डेविएशन बराबर हो जाता है मिनिमम डेविएशन तो इसमें म्यू के जगह पुट कर दिया जाए वन पॉइंट फाइव माइनस वन एंगल ऑफ प्रिज्म के लिए मैं पुट कर देता हूँ ए आइए हो गया डेल्टा मिनिमम तो यहाँ से मिल गया ए बाय टू बराबर हो जा रहा है क्या डेल्टा मिनिमम ठीक है और यह भी हम लोग जानते हैं क्या कि मिनिमम डेविएशन के केस में एंगल ऑफ प्रिज्म होता है टू आर के बराबर तो टू आर बटे टू इज इक्वल टू हो जाएगा क्या डेल्टा मिनिमम टू टू कट गया तो डेल्टा मिनिमम का वैल्यू मिल रहा है बच्चों आर के बराबर डेल्टा मिनिमम मिल रहा है बच्चों आर के बराबर तो 44 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर थ्री नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव में बच्चों, इफ द टेलीस्कोप इज रिवर्सड रिवर्स डेट इज सीन फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव साइड ओ टेलीस्कोप को रिवर्स कर दिया जाए मतलब ऑब्जेक्टिव तरफ से ना देख के सॉरी आई पीस की तरफ से ना देख के उसको देखा जाए ऑब्जेक्टिव की तरफ से तो क्या असर पड़ेगा तो असर क्या पड़ना है दूर के वस्तु को हम लोग बड़ा सा देख पाते थे अगर ऐसे देखेंगे तो अब जो है हम लोग को जो इमेज दिखेगा वह इमेज छोटा दिखेगा तो ऑब्जेक्ट विल अपियर वेरी स्मॉल सिंपल सा बात है सीधा उल्टा मैग्निफिकेशन की बात हो जाएगी तो टेलीस्कोप को अगर रिवर्स कर देते हैं तो ऑब्जेक्ट विल अपियर वेरी स्मॉल इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स में बच्चों एन एस्ट्रोनोमिकल टेलीस्कोप हैज ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस लेंस ऑफ पावर्स पॉइंट टू फाइव डायोक्टर एंड थर्टी इट्स रिस्पेक्टिवलीग्नीफाइंग पावर विल बी फोर्टी सिक्स में है बच्चों की एस्ट्रोनोमिकल टेलीस्कोप दे दिया गया है ऑब्जेक्टिव और आई पीस दोनों का पावर दे दिया लेंस का पावर दे दिया पॉइंट टू फाइव एंड थर्टी डायोप्टर एक का काफी कम है दूसरे का ज्यादा है ठीक है अब बोला जा रहा है कि मैग्नीफाइंग पावर क्या होगा और यह भी बता दिया है कि नॉर्मल एडजस्टमेंट की बात है तो देखो बच्चों हम लोग जानते हैं कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में मैग्नीफाइंग पावर जो होता है वह होता है फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ ऑफ आई पीस फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ ऑफ आई पीस ठीक है आई लेंस अब अगर इसको हम लोग लिखें तो 1 बटे एफई हो जाता है पावर वन बटे एफ के लिए लिखा जाएगा पावर ऑफ आई पीस और वन बटे एफ के लिए लिखा जाएगा पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव वैल्यू दिया हुआ है आई पीस का दिया हुआ है थर्टी हुआ है तो इसमें पुट करके हम लोग बड़े आराम से बता दे सकते हैं कि ये हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय हंड्रेड है क्लियर ये हो गया फोर ये हो जाएगा वन ट्वेंटी

पूरा का पूरा फ्रिंज ऊपर ही शिफ्ट करता था तो एक बात तो तय है कि अपर बीम के आगे रखा जा रहा है स्लैब तो शिफ्टिंग जो हुआ होगा वो अपर हुआ होगा तो डाउनवर्ड वाला तो गलत है डाउनवर्ड वाला तो गलत है अपवर्ड वाला ही सही होगा अब जरा हम लोग ये चेक कर लेते हैं कि कितना फ्रिंज से ऊपर क्योर हुआ होगा शिफ्टिंग तो हम लोग जानते हैं क्या कि शिफ्टिंग का जो वैल्यू होता है मतलब तो नंबर ऑफ फ्रिंज शिफ्टेड का जो वैल्यू होता है उसका वैल्यू होता है म्यू माइनस वन इंटू टी डिवाइडेड बाय लैमडा इसका वैल्यू होता है म्यू माइनस वन इंटू टी डिवाइडेड बाय लैमडा म्यू का वैल्यू दिया हुआ है वन पॉइंट एट माइनस वन थिकनेस दिया हुआ है थ्री माइक्रोमीटर थ्री इंटू टेन टू डी पावर माइनस सिक्स लैमडा का वैल्यू दे दिया है 400 हंड्रेड 400 फोर हंड्रेड इंटू टेन टू डी पावर माइनस नाइन तो देखो बच्चों ये हो जा रहा है पॉइंट टू इंटू थ्री इंटू टेन टू डी पावर माइनस सिक्स डिवाइडेड बाई फोर हंड्रेड इंटू टेन टू डी पावर माइनस नाइन इसको जब तुम सॉल्व करते हो तो यह तुमको सॉल्व करके दे देगा तुमको सिक्स यह तुमको दे देगा सिक्स यानी कि अपवाड और सिक्स फ्रिंजेज और सिक्स प्रिंजेज मतलब फोर्टी सेवन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फोर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टी एट क्वेश्चन नंबर एट में बच्चों कि ए पोलोराइड इज प्लेस्ड एट थर्टी डिग्री टू एन इनकमिंग कमिंग पोलराइज लाइट ऑफ इंटेंसिटी आई नॉट नाउ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द प्लोराइड विल बी बोला गया कि एक है थर्टी डिग्री पर रख दिया गया है

थर्टी हो जाता है रूट थ्री बाई टू तो जाएगा थ्री बाय फोर तो इमर्जिंग लाइट की इंटेंसिटी हो जानी है थ्री बटे फोर आई नॉट जो कि दिख रहा है ऑप्शन नंबर थ्री में तो बच्चों क्वेश्चन नंबर फोर्टी एट का ऑप्शन नंबर थ्री होगा तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर थ्री नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टी नाइन क्वेश्चन नंबर फोर्टी नाइन में है

स्लेट का जो विथ है वो दे दिया गया है फाइव इंटू टेन टू डी पावर माइनस फाइव सेंटीमीटर ठीक है तो हम लोग जानते हैं क्या कि सिंगल सीट पर फ्रॉन होफर का जो इक्वेशन होता है वो हो जाता है डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैमडा और उसमें भी अगर सेंट्रल की बात करेंगे तो एन के जगह पर पुट हो जाएगा वन तो यह इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगा डी साइन थीटा बराबर लैमडा चूंकि एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन जो होता है वो काफी छोटा होता है तो साइन थीटा के जगह पर सिर्फ हम लोग ले सकते हैं थीटा 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 तो तो इज इक्वल टू हो हो जाता है तो यहां से का वैल्यू जाएगा बटे लेकिन हम लोगों को पूछ क्या रहा है तो हम लोगों को पूछ रहा है सेंट्रल मैक्सिमा का एंगुलर विथ तो यह तो मिला एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन सेंट्रल विथ का लेकिन अगर सेंट्रल मैक्सिमा का एंगुलर विथ खोजेंगे तो उसका जो एंगुलर एंगर मिलेगा वो इसी थीटा का दोगुना होगा क्योंकि जितना थीटा ऊपर उतना है थीटा नीचे तो बीच का एंगल जो बनेगा वो होगा टू थीटा तो वाजिब है सेंट्रल मैक्सिमा का जो एंगल बनेगा वो होगा टू थीटा तो टू थीटा होगा तो यह हो जाएगा बच्चों टू लैमडा डिवाइडेड बाई डी तो टू लैमडा के जगह पर जो है वह है फाइव थाउजेंड तो फाइव थाउजेंड एंगस्टर्म यह हो जाएगा टेन टू डी पावर माइनस टेन और डिवाइडेड बाई डी ये हो जाएगा फाइव इंटू टेन टू डी पावर माइनस फाइव सेंटीमीटर है तो टेन टू डी पावर माइनस टू माइनस टू तो इसको जब तुम पुट करते हो और पुट करते इसको सॉल्व करते हो तो सॉल्व करने के बाद ये कटा, ये कटा ये कटा ये कटा तो कटने के बाद ये इतना इतना साइवन है ये है कटने के बाद बचेगा बच्चों टू रेडियन टू रेडियन जो कि दिख रहा है हम लोग को ऑप्शन नंबर टू में तो क्वेश्चन नंबर फोर्टी नाइन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्टी क्वेश्चन नंबर फिफ्टी में है बच्चों ए माइक्रोस्कोप ए माइक्रोस्कोप इज हैविंग ऑब्जेक्टिव हैविंग ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ वन पॉइंट टू फाइव सेंटीमीटर आई पीस ऑफ फोकल लेंथ फोर सेंटीमीटर ट्यूब लेंथ इज फोर्टी सेंटीमीटर एंड इमेज इज फॉर्म एट लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द माइक्रोस्कोप एक माइक्रोस्कोप है वाज़िब कंपाउंड माइक्रोस्कोप है और कंपाउंड माइक्रोस्कोप का पूछा जा रहा है कि मैग्निफिकेशन का वैल्यू क्या होगा सीधा फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जो मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है तो वो होता है एम इज इक्वल टू एल डिवाइडेड बाई एफ ओ मल्टीप्लाइड बाय वन प्लस कैपिटल डी डिवाइडेड बाय एफ ई हाँ एल हो गया ट्यूब लेंथ एफ ओ हो गया ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ एफ ई हो गया आई पी का फोकल लेंथ और कैपिटल डी हो गया लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विज़न जिसका वैल्यू दे ही दे दिया है पच्चीस सेंटीमीटर सारे वैल्यू को पुट कर दिया जाए तो ट्यूब लेंथ है फोर्टी तो हो जाएगा फोर्टी सेंटीमीटर डिवाइडेड ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ वन पॉइंट टू फाइव सेंटीमीटर ओके okay, ये हो जा रहा है वन प्लस डिस्टिंक्ट विजन ये हो जाएगा ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय आई पीस का तो आई का फोकल लेंथ है फोर सेंटीमीटर यह हो जाएगा फोर इंटू टेन टू डी पावर माइनस टू टेन टू डी पावर माइनस टू टेन टू डी पावर माइनस टू सब कट गया तो ये मिल रहा है फोर्टी डिवाइडेड बाय वन पॉइंट टू फाइव ये हो जा रहा है ट्वेंटी नाइन डिवाइडेड बाय फोर ये हो जाएगा ट्वेंटी नाइन डिवाइडेड बाय फोर इसको सॉल्व करना है तो इसको जब सॉल्व करोगे बच्चों तो यह तुमको मिल जाता है 232 और 232 टू जो हुआ है ऑप्शन नंबर वन में तो क्वेश्चन नंबर 50 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर वन ऑप्शन नंबर वन तो बच्चों इतना क्वेश्चन था तो आज इतना ही थैंक यू